माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 डिग्री और रेडियन मेजर पे हम चर्चा कर लेते हैं कि डिग्री और रेडियन मेजर क्या होता है। तो आप ध्यान से देखें कि आपने ये देखा होगा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको कहते हैं राइट एंगल 90 डिग्री। और 90 डिग्री का जो, अगर ये यूनिट रेडियस का एक सर्कल मान लें, इसको यूनिट रेडियस का सर्कल मानेंगे, तो ये पूरा जो सर्कमफेरेंस है, पूरा जो सर्कमफेरेंस है, इसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। और रेडियस बीइंग वन, आर वन होने से ये सर्कमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई इंटू 1। तो इस 2 पाई इंटू 1 को अगर डिग्री में मेजर करेंगे, तब, हमेशा नहीं, इसी केस में जब डिग्री मेजर करेंगे, तो ये जो पूरा रोटेशन है यूनिट रेडियस सर्कल का, यूनिट रेडियस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, वो सर्कमफेरेंस जो इसका टोटल एंगल है 360 डिग्री, उसके ये इक्वल होता है। तो इससे पता चला कि पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और पाई बाय टू कितना हो जाएगा उस केस में, 90 डिग्री। तो आपका फॉर्मूला बन गया आपके पास कि डिग्री में जो चीज़ किसके इक्वल है, डिग्री में जो चीज़ 180 के इक्वल है, वो चीज़ रेडियन में किसके इक्वल है, वो रेडियन में पाई के इक्वल है। ये पाई जो है ये रेडियन में है, ये जो डिस्टेंस है पाई, ये पाई रेडियन में है। इसमें पाई का वैल्यू, जब ये यहाँ पे पाई लिया, तो ये पाई का वैल्यू होता है 22/7। ये 22/7 जो वैल्यू है, ये रेडियन वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, रेडियन वैल्यू है। और पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री कौन सी वैल्यू है, ये डिग्री वैल्यू है। तो आप दोनों ध्यान रखें, कभी ऐसा नहीं लिख दें कि 22/7, यू कैन नॉट राइट 22/7 इज इक्वल टू 180, ऐसा नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट ट्रू। पर अगर आप ऐसा लिख देते हो 22/7 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो रेडियन बनाने के लिए इसके ऊपर सी भी लगा सकते हैं, एक सुपर स्क्रिप्ट है जो इसके माथे पे सी लगा दे, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये रेडियन में है। तो रेडियन और डिग्री कन्वर्जन का ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आए हम कुछ डिग्री और रेडियन कन्वर्जन में आपको सिखाता हूँ कि कैसे कन्वर्ट होती है। तो आपको मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है कि कन्वर्ट फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स, और फिर हम अगले केस में रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री मेजर्स इनटू रेडियन मेजर्स। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन इसका ले, अगर आपके पास है कि 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को कैसे बदलेंगे आप। तो 45 डिग्री को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो 45 डिग्री के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, कैसे, कौन सा फार्मूला, ये वाला, डी अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन पाए। आप इसमें रख दें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी वैल्यू, यहाँ पे रख दिया आपने 45 अपॉन 180, कैंसिल करते टाइम डिग्री विग्री सब भूल जाएं आप, सीधे सिंपल इसी में रहने दें। और रेडियन अपॉन कितना हो जाएगा, पाए, 45 से कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हो गया, 45 फोर जा, तो ये पाए उधर चला जाएगा, तो ये रेडियन मेजर हो जाएगा इसका, रेडियन मेजर विल बी व्हाट, पाए बाय फोर। किसका रेडियन मेजर पाए बाय फोर है, 45 डिग्री का। एक एंगल और लीजिए आप, अगर आपको मान लीजिए कि 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 240 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए भी यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। और डिग्री की जगह आप क्या लिखेंगे, आप 240 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू आर अपॉन पाए। आप डिग्री इसका भी भूल जाए, डिग्री इसका भी भूल जाए, 0 0 कैंसिल हो गया, अब ये हो जाएगा आपका 6 3 जा, 6 4 जा, तो ये पाए को उधर भेज दें, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू होगी 4π/3। 4π/3 लिख दें, या 4π/3 के ऊपर सी लगा के लिख दें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने सी नहीं लगाया है, इफ़ यू हैव नॉट यूज्ड सी, इट मींस इट इज रेडियन। इसीलिए एक क्वेश्चन भी आता हैगा, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि विच वन इज ग्रेटर, साइन वन इज ग्रेटर और साइन वन डिग्री। तो अगर इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है इसका मतलब ये रेडियन में है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस मैं भी तो लिख देता हूँ कि साइन वन इज ग्रेटर देन साइन वन डिग्री, ये इक्वल नहीं होता है क्योंकि वन नहीं है। तो ये क्या है, ये कौन सा है, ये रेडियन है, और ये कौन सा है, ये डिग्री मेजर है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, रेडियन और डिग्री अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको डिग्री है तो डिग्री आपको लगाना पड़ेगा। जैसे इन जनरल आपने देखा होगा साइन 90 का वैल्यू बोलते हैं बच्चे वन, नहीं, अब आपको बोलना पड़ेगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू वन है, साइन 90 इज़ नॉट वन। अगर 90 बोला तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज रेडियन। तो जब डिग्री की बात होगी तो आप डिग्री लिखना पड़ेगा। तो ये सेकेंड कन्वर्जन हमने देखा। एक कन्वर्जन मैं आपके लिए और लेता हूँ जिसमें नेगेटिव रहता, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला कन्वर्जन भी मैं आपको सिखाता हूँ। कि अगर मान लीजिए कि आपके पास है माइनस में कोई वैल्यू है, माइनस मान लीजिए 150 डिग्री है, थर्ड माइनस 150 डिग्री है, तो माइनस 150 डिग्री में आप पहले माइनस को सबसे पहले भूल जाएं, जब आपका आंसर आएगा तो हम उसमें माइनस लगा देंगे। तो कन्वर्जन के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे डी अपॉन कौन सा, डिग्री में जो चीज़ 180 है, रेडियन में वही चीज़ क्या है, पाए है, ठीक है। तो यहाँ पे 150 लिख दें और यहाँ पे 180 लिख दें, ये डिग्री में है ना। अब यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री डिग्री भूल जाएंगे आप, आर अपॉन पाए, तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, थ्री से कैंसिल हो जाएगा और थ्री सिक्स जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5π/6। लेकिन आंसर नहीं होगा ये, आंसर में तो माइनस लगेगा ना, आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा इक्विवेलेंट रेडियन मेजर विल बी -5π/6, इक्विवेलेंट रेडियन मेजर विल बी -5π/6। अगर आपके पास कभी इस तरीके आए हुए पॉइंट में आ जाएगी चीज़, मान लीजिए आपके पास पॉइंट में आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपके पास आती है 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री को तो पहले आप कैसे लिख लेंगे इसको, 225 बाय क्या लिख देंगे आप, 100 लिख दें, और इसको डिग्री में अब जो कैंसिल करता है कैंसिल कर दें, और इसको लीस्ट पहले फॉर्म में ले आए, तो इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं अपन, इसको कैंसिल कर दे 25 से, तो 25 से 9 टाइम गया और ये कितना हो गया 4 टाइम्स, तो 9/4 डिग्री फार्मूले में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 अपॉन कितना 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। 9 से इसको उड़ा दें, 9 से 20 टाइम्स जाएगा, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई होगा है ना, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख देना, तो ये 1 ऊपर जाएगा और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई अपॉन, तो ये रेडियन की वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू हो गई पाई अपॉन 80, पाई अपॉन 80। क्लियर है क्या, 22. इट शुड बी नॉट पाई अपॉन, लेट मी चेक इट, नाइन बाय फोर इट्स ट्रू बट इज नॉट 9/4 डिग्री, 22.5, ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट शुड बी टेन नॉट 100, दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज देयर, इसलिए प्रॉब्लम आई है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 10 आना चाहिए क्योंकि ये सही नहीं आया, तो ये आ जाएगा आपका 225/10 डिवाइडेड बाई कितना है 180, ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन पाई। तो अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आप ये 5 + 2 + 2 9 होता है, ये भी 9 होता है, तो 9 से कैंसिल कर दें आप, 9 × 2 = 18, और फिर आ जाएगा आपके पास 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, तो ये आ गया, और 9 से इसको कैंसिल कर दें 20, फिर 5 से इसको कैंसिल कर दें 5 × 5 = और ये 5 × 4 = ठीक है, 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप 5 × 2 = तो ये आर की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गया आपका 1/2 और अपॉन में 4/1, तो 1/2 × 1/4 और पाई उधर भेज दिया आपने, तो ये हो जाएगा आपका π/8। तो ये पॉइंट वाले कन्वर्जन भी आपने देखे। अब अगर आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें आपको डिग्री मेजर में बदलना है और रेडियन मेजर दिए होंगे,
तो वो भी हम देखते हैं कि उनको कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको मैं कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिख देता हूँ जिनको आप कन्वर्ट करना और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक तो मैं देता हूँ आपको -135 डिग्री का दे देता हूँ, और एक मैं आपको दे देता हूँ 390 डिग्री का। दोनों कन्वर्ट करना आप, और उनके आंसर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, मेरे मेल आईडी पे भेज सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 9685698056। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको एंटरटेन करूँगा, आपको रिस्पांस मिलेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, कन्वर्ट फॉलोइंग। अब इसमें हमें रेडियन मेजर से किस में बदलना है, फॉलोइंग रेडियन मेजर्स इनटू डिग्री मेजर्स। इसमें हमें रेडियन मेजर से काय में बदलना है, डिग्री मेजर्स में, उल्टा काम है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसका क्वेश्चन है आपके पास कि आप पाई बाय सिक्स लिखा है, पाई बाय सिक्स है, तो पाई बाय सिक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये रेडियन मेजर है। तो आप कौन से वाले फॉर्मूले में रखेंगे, डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू पाई अपॉन, सॉरी, रेडियन अपॉन पाई। इसमें रेडियन की जगह वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा डिग्री अपॉन 180 फिर पाई बाय सिक्स अपॉन पाई। इसके अपॉन में तो ऑलरेडी कुछ है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ मन लिख दीजिए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये जाएगा पाई अपॉन 6 पाई, ये पाई पाई कैंसिल 1/6। अब 180 को आप उधर भेज दीजिए, तो जब आप 180 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, और ये जो आंसर आएगा आपका ये डिग्री में होगा। कैलकुलेशन के बाद आप डिग्री लगा दें, है ना, तब नहीं लगाएं, बाद में लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे 3π/4 है, 3π/4 है, तो 3π/4 के लिए क्या करेंगे आप, डिग्री अपॉन 180, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर रेडियन में 3π/4 और अपॉन में कितना है पाई, और नहीं है यहाँ पे तो 1 लिख दें, ये पाई पाई कैंसिल कर दें, 180 उधर भेज दें, तो जब 180 आप उधर भेज देंगे तो 3/4 ऑलरेडी है वहाँ, 3/4 इंटू 180। अब ये जो आंसर आएगा ये डिग्री में होगा, अब थोड़ा कैंसिल कर दीजिए तो ये 135 डिग्री आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल लेना है जब आपको रेडियन में एंगल दिया हो। तो रेडियन में अगर एंगल दिया है तो डिग्री में कन्वर्जन उसका आपने देखा कितना आसान है, डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में, क्लियर है कि मेरी बात आपको। ये कन्वर्जन का बहुत अच्छा मेथड है, इससे डॉलर पाउंड रुपीज़ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि इंडियन रुपीज़ 70 का है और वो रुपीज़ 70 का है, और डॉलर यूएस डॉलर कितने का है आपका, तो यूएस डॉलर जो है आपका, यूएस डॉलर कितने का है, 1 का, तो यहाँ पे डॉलर रख दें, उसके रुपीज़ निकालते हैं, रुपीज़ रख दें तो डॉलर निकालते जाएँ, क्लियर है क्या। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कन्वर्जन का पुराना मेथड है। अब थर्ड देखिए आप, थर्ड में अगर कोई माइनस में है आपके पास, मान लीजिए आपके पास आ गया कि माइनस आपके पास है, माइनस पाई बाय मान लीजिए कि आपके पास है -π/3 है, तो आप रेडियन फॉर्मूला लगा दें डिग्री अपॉन 180 और रेडियन में लग देंगे माइनस, रहने दें माइनस, बाद में यूज़ कर लेंगे हम, π/3 अपॉन पाई अपॉन 1, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, इसको उधर भेज दिया तो ये पाई पाई कैंसिल, 180 उधर भेज दिया तो 180/3 60 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्योंकि जब आंसर लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, आंसर क्या होगा आपका, -60 डिग्री, क्योंकि ये आपका एक किस में था, माइनस में था। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको देखते हैं, आप देखिए ध्यान से। अब अगर आपके पास आ जाता है 2 रेडियन या फिर उन्होंने ऐसा लिख दिया, 2 के ऊपर लगा दिया, सी लगा दिया, तो अब आपको इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है आपको, इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। किस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे आप, डी अपॉन, ये रख दिया आपने वैल्यू, डी अपॉन 180 इज इक्वल टू आर अपॉन पाए। अब इसमें D इज अपॉन 180 और R अपॉन, तो R क्या है आपका 2 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा आपका D इज इक्वल टू
180 उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 360, और ये आपका जो पाए है ये हो जाएगा आपका पाए 22/7, तो ये डी की वैल्यू हो गई आपकी 360 इंटू 7 अपॉन 22। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये आपको मेरे ख्याल से होपफुली क्लियर है। अब इसमें पूरे में डिग्री लगा सकते हैं, इवन दैट विल बी आंसर, लेकिन इसको ये डिग्री के बाद इसमें मिनट्स में जाते हैं, मिनट्स के बाद और छोटी यूनिट है जिसको सेकेंड कहते हैं, तो मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए आप ये कन्वर्जन को इम्पोर्टेंटली देखिए और इंटेलिजेंटली देखिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले आप इसको वो कर दें, कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 180 और ये आपका 11 हो जाएगा। ये 11 प्राइम नंबर है, अब डिवाइड नहीं होगा। अब 18 ये कर दें आप, 180 × 7 = 1260 अपॉन 11। अब आप 1260 को 11 से ऐसे मैनुअली डिवाइड कर दें। देखिए 1260 / 11, 11 बन जाए 11, ये आ गया आपके पास रिमाइंडर, कैरी किया 6, 11 बन जाए 11, 5 ये भी आ गया, 11 × 4 = 44, तो ये अब आपके पास रिमाइंडर आ गया 6। तब आप इसको ऐसा लिख दें, कैसा लिख दें, 114 degree प्लस 6/11 degree, ये आपका आंसर है 114 degree प्लस 6/11 degree। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको मिनट में भी जाना पड़ेगा, फिर सेकंड में भी जाना पड़ेगा, और 1 degree = 60 minutes होते हैं, ये वो मिनट नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और 1 minute = 60 seconds होते हैं, ये एंगल की मेजरमेंट है, ये एंगल का मेजरमेंट है, और वो टाइम का है मिनट और सेकंड, तो आप उससे ना समझें। हाँ, कोइंसिडेंटली 1 minute = 60 seconds है, लेकिन आप उससे कोरिलेट ना करें। तो अब ये डिग्री है, अब डिग्री को मुझको काय में बदलना है, उससे छोटी यूनिट मिनट में बदलना है, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 114 degree प्लस 6 × 60 / 11, तो ये क्या बनेगा, क्या हो गया मेरा, ये मिनट हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया आपका 114 degree प्लस ये आ जाएगा 6 × 60 = 360/11 minute। अब इसको भी मैं मैन्युअली डिवाइड करूंगा, यहाँ पर किससे डिवाइड करूंगा, 360 को 11 से डिवाइड करूंगा, 360 / 11, 11 × 3 = 33, ये 3 आ गया रिमाइंडर, 0 कैरी कर लिया, 11 × 2 = 22, तो ये रिमाइंडर बचा 8। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 114 degree प्लस 360/11, 360/11 को लिख सकते हैं आप 32 + 8/11, 32 + 8/11, पर ये पूरा क्या है, ये मिनट्स में, तो ये मिनट में आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 114 degree प्लस 32 minute प्लस 8/11 minute। अब 8/11 minute को भी आपको सेकेंड में बदलना है, तो 8/11 minute को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास आ गया 114 degree 32 minutes प्लस 8 × 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 480 / 11, और ये किस में बदल गया, अब आपका ये सेकेंड्स में बदल गया। अब ये जब सेकेंड में बदल गया तो फिर आपको वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल आसान है, आप चिंता नहीं करें, साथ बने रहें और ट्यून्ड रहें। 480 / 11, 11 से डिवाइड कर दिया तो 11 × 4 = 44, ये आ गया रिमाइंडर 4, कैरी किया 0, 11 × 3 = 33, अब ये बच गया 7, ठीक है, तो ये रिमाइंडर 7 बच गया है। तो ये कैसा होगा, इसको क्या लिख पाएंगे हम, 114 degree प्लस 32 minute प्लस, वो लिख दीजिए 43 प्लस 7/11 seconds। क्लियर क्या मेरी बात आपको, ये लिख दिया हमने। अब आप सेकंड के नीचे मिली सेकंड माइक्रो सेकंड में नहीं जाना, सेकंड पे ही अपने को ख़त्म करना है, तब यहाँ राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने का नियम आप समझ लो, राउंड ऑफ नियम ये है कि जो अब सेकंड में, जो लास्ट में, अब लास्ट मतलब पहले डिग्री, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड में आ गए, अब सेकंड में जो लास्ट यूनिट है
लास्ट में, अब सेकेंड लास्ट यूनिट है, सेकेंड में लास्ट यूनिट में जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना इसका 7 है, और डिवाइजर कितना था इसका 11, तो 11 के हाफ और हाफ से ज़्यादा हो तो 11 का हाफ क्या होता है 5.5, तो या तो 5.5 हो या 5.5 से अगर उसका रिमाइंडर ज़्यादा हो तो इसको बढ़ा देना है। किसको बढ़ा देना है, इसमें एक और जुड़ जाएगा, किस में जुड़ जाएगा 44 हो जाएगा, कब, जब ये 5.5 हो और उससे ज़्यादा हो, और अगर 5 होता तो 11 का हाफ क्या होता है 5.5, उससे कम है तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, नो चेंज एट ऑल। राउंड ऑफ करने का जो नियम है यहाँ पे, नियम वो ये है कि अगर ये इसके हाफ और हाफ से ज़्यादा है तो फिर आप एक बढ़ा दो सेकंड में, पर हाफ से कम है तो फिर आप कोई चेंज मत करो, फिर उसको आप जीरो समझ लो, उसको गायब कर लो। तो अभी हमारे इस केस में कितना आ जाएगा, 114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 44 सेकंड, क्योंकि हाफ से ज़्यादा है। और आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो आंसर आएगा आपका 114 मिनट डिग्री प्लस 32 मिनट, तो प्लस हटा दीजिए क्योंकि इससे पता चल रहा है कि इतने डिग्री इतने मिनट और कितने सेकंड से आपके 44 सेकंड से। तो इस तरीके से देखो आप कि आपने डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, और रेडियन को किस में किया, हमने डिग्री में किया। अब इसी तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपको, एक और मैं आपको ले लेता हूँ और जिसमें हम उसको माइनस में ले लेते हैं, क्लियर है क्या, तो आप अगला कन्वर्जन जिसमें अगर माइनस में ले लेंगे, मान लीजिए कि कौन से नंबर होगा, फिफ्थ है मेरे ख्याल से, फिफ्थ होगा, तो रेडियन में अगर आपके पास है, मान लीजिए माइनस ही ले लीजिए, माइनस 3 रेडियन ले लिया आपने, तो माइनस 3 रेडियन को कैसे करेंगे हम, तो ये लिखेंगे हम डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई, रेडियन की जगह क्या डाल देंगे, डिग्री अपॉन 180 यहाँ पे, तो माइनस हम बाद में लगा देंगे, पहले पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, माइनस को बाद में लगा देंगे, अभी यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 3 अपॉन पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका डिग्री इज इक्वल टू 3 × 180 अपॉन 22, और 7 को ऊपर भेज दीजिए, अभी इससे कैंसिल कर दें 2 से, तो ये 90 हो गया और ये 11 हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 90 कितना हो जाएगा आपको मालूम है, 270 होता है, 270 × 7 ये लिख देता हूँ मैं, 7 × 0 7 × 49 7 × 2 = 14 और 18 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय किस से, 11 से। अब आपको वही लॉन्ग डिवीजन मेथड जो मैंने आपको बताई थी उसका इस्तेमाल करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर लोगे, और ये मेजरमेंट अगर आपको आ गया है तो आपको बहुत अच्छी बेसिक चीज़ आ गई। तो 1890 को आप डिवाइड कर दें किससे, 1890 को आप 11 से डिवाइड कर दिए, 11 बन जाए 11, 7 9, 11 7 जाए 77, 2 0, 11 बन जाए 11, क्या आ गया आपके पास 9, तो क्या लिख सकेंगे इसको आप उसको लिख पाएंगे, आप लिख पाएंगे 171 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री, ये भी डिग्री में ही है, अब 9/11 है तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में हो जाएगा, तो 9 × 60 540 डिग्री, ओ सॉरी मिनट, आप 540 को डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें 540 को, 11 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 11 × 4 = 44, ये आ गया आपके पास 100, 11 9 = 99, कितना बचा आपके पास, इसके पास आपके पास बचा 1, तो ये आप इसको लिख पाएंगे 171 डिग्री प्लस 49 प्लस 1/11 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 1/11 मिनट। अब मिनट को अपने को सेकंड में भी बदलना है,
तो मिनट को सेकंड में बदलना है तो बदल दीजिए, 171 डिग्री 49 मिनट और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। फिर 60 को डिवाइड कर दें तो 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप 11 से 11 5 जा, तो रिमाइंडर कितना बचा आपके पास, 5। क्या लिख पाएंगे इसको आप, 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 5 प्लस 5 बाय 11 सेकेंड। अब ये देखिए 11 के हाफ से ये कम है, तो हाफ से कम है तो इसको छोड़ दे, अब ये यहीं पे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 5 सेकेंड। और आंसर कैसा लिखेंगे, तो आंसर आप लिख देंगे, मैं आंसर में आप माइनस लगा दें और वो जो बीच के प्लस है उनको छोड़ दें, वो हटा दें, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 171 डिग्री 49 मिनट और 5 सेकेंड। ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो प्लस प्लस में लिखा होता तो फिर ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता अपने को। तो ये था दोस्तों इसका कन्वर्जन। मैं दो कन्वर्जन आपको और देता हूँ जिनको आप आराम से घर पे कन्वर्ट करिएगा। एक तो आप 5 रेडियन को ले लें और दूसरा आप 9 रेडियन को ले लें। ये दोनों कन्वर्जन्स आपको करना है और प्रॉब्लम मुझे लिख के देना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपने महसूस किया, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट।